आज मैं जा रही हूँ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने। प्यारा सा सरप्राइज है हमारा केक जो मुझे बहुत 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 प्यारा लगा है। बिल्कुल ये मेरे जैसी लग रही है, मासूम क्यों। हे एवरीवन, दिस इज मी अबीबा वसीम। यहाँ पर मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने, प्री बर्थडे, कॉज मेरी बर्थडे पे आ रही है ईद, पहली बकरीद ना, तो इस वजह से मैं अपनी प्री बर्थडे जल्दी कर रही हूँ अभी और अदीबा के साथ और मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ अपनी बर्थडे कर रही हूँ। मामा और अरीब बाबा नहीं जा रहे हैं, वो जाएंगे हमारे साथ अपकमिंग जो मेरी जिस दिन चांद रात होगी, चांद रात वाले दिन या फर्स्ट ईद को जाके एक उन लोगों के साथ सेलिब्रेशन करूँगी। एक मैं कर चुकी हूँ, ये मेरा सेकंड सेलिब्रेशन है। खैर, आई एम सुपर एक्साइटेड कॉज ये सरप्राइज था बिया की तरफ से कि ये सब तुम्हारे लिए सरप्राइज़ वगैरह है। और अब जाके देखते हैं कि क्या करवाया इसने, क्या डेकोरेशन है, कैसा केक है, ये सब कुछ जो है अभिया की तरफ से डिसाइडेड था। फिर उसने मुझे ये ड्रेस सेलेक्ट करके दिया कि तुमने ये पहनना है और मैं उसी तरह रेडी हो गई हूँ। खैर बहरहाल, अभी हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए, इट्स टू लेट ना, 7 से 10 तक की टाइमिंग है मेरे ख्याल से और अभी बज रहे हैं 6:30 या 7:30 तकरीबन बज रहे होंगे। बहरहाल मैं मिलवाती हूँ आपको अदीबा से। सो हमारे सामने है, हे अदीबा। हेलो। ये पीछे पूरा मैं सो रही, सब मेरी वजह से हो रही, सब मैंने कराया। सो ये रही मेरी पूरी फ्रॉक, मैं पूरी रेडी हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, सुपर 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 एक्साइटेड फॉर माय प्री बर्थडे। सो लेट्स गो। अच्छा, मेरे साथ लास्ट टाइम कुछ इस तरह हुआ था कि मैंने गाड़ी में व्लॉग बनाया था और मुझे नहीं अंदाजा था इस बात का, पीछे गाने चल रहे थे तो बाद में मुझे पता चला कि वो कॉपीराइट इस वजह से आया है ना। खैर, इस वजह से मैंने इस बार बहुत ख्याल रखा, मैंने सबसे पहले गाने बंद करवाए गाड़ी में और फिर मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट करा। सात बज रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं, देखते हैं हम कितनी जल्दी और कितनी देर में पहुंचते हैं। ये रहे अदीबा। कहोगी लग रहा है मैं क्यूट लग रही हूँ? कह रही हूँ मुझे लग रहा है मैं क्यूट नहीं, इस दरक के साथ तुम क्यूट नहीं लगी। ये दरक नहीं होता, ये बाल होते हैं। खैर, अपनी मर्जी से अजीब से बाल बना के बैठ गई, अजीब सी अजीब सी। तुम तो चुप ही रहो, तो मैंने कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिलाए। अरे मैंने तुम्हारे गिफ्ट लिया हुआ है, घर पे रखा है, लाना भूल गई। छुट्टी है आज, तुम्हारी बर्थडे 29 को है ना, जब नहीं है अभी तक, सॉरी मुझे छुट्टी है, बहुत छुट्टी है। अलग से बनाऊंगी इसके ऊपर व्लॉग, में 3-4 मिनट का कर, इसने मुझे गिफ्ट नहीं देना, खाली पिटाई पिटाई का व्लॉग बनाऊंगी। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या सेलिब्रेशन है। आई एम सो एक्साइटेड। जितनी बार वैसे मैंने ये बात बोली, ओह माय गॉड। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था अभिया की तरफ से, मुझे बिल्कुल अभिया से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। मैं दिखाती हूँ अभी, बहुत अच्छा है। सो क्या सोच के तुमने ये प्लान करा? बताओ क्या मुझे? हाँ, ताकि तुम्हारा इतना बड़ा मुंह ना बने जो कि हर रोज बना रहता है। बेशरम हूँ, बेशरम की बेशरम ही रहूँ। खैर छोड़े, इसको इग्नोर मारे आप लोग, ये देखें बड़ा ही बड़ा प्यारा सा सरप्राइज़ है। इसने कहा है कि तुम्हारा बाकी गिफ्ट पेंडिंग है, तो देखता हूँ और क्या क्या ये गिफ्ट देती है। एक परफ्यूम अदीबा ने दिया है मुझे, सो हेयर इज़ माई परफ्यूम एंड अभिया ने मुझे ड्रेस दिया है। यहाँ पे मेरा केक आ गया, इट्स अ बर्थडे केक। ये रहा हमारा केक जो मुझे बहुत 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 प्यारा लगा है, बिल्कुल ये मेरे जैसी लग रही है, मासूम क्यों। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही थी? ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या ये गिफ्ट करती हूँ तुमसे, इसी गिफ्ट की उम्मीद है वैसे मुझे, इसके अलावा तुम कुछ। चलो काटे केक, आ जाओ आ जाए महारानी, काटिए। नहीं मैं काटूंगी अपना केक, नाम ही लिखवा लेते। ये तो हिल रहे हैं इसके कपड़े, वैसे कैसे है ना, झूठा मूठा सा फ्लावर लगा दिया और हजारों रुपए चार्ज करे। देखो जाके हम काटते हैं अपना केक। क्या कह रही हो? क्या बोलो, आगे बोलो अबीबा, अबीबा आगे बंद करो, आगे बोलो ना। 2000 years later यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है। लोगों ने इतना सारा खाना मंगवाया,
बाकी खाना टेस्ट करके देखते हैं कैसा होता है। फाइनली यहाँ पे हमने खाना खा लिया और मैं खाना खा के इस तरह बैठ गई क्योंकि मैंने इतना खा लिया इतना खा लिया इतना खा लिया कि मेरा पेट फुल हो गया। ये देख सकते हैं आप लोग, अल्लाह की बहन है, सबका खाया है, सबका अपने दोस्तों को तो इस तरह खाया है। हमने अपना खाना वाना खा लिया और खाना मैंने इतना खा लिया इतना खा लिया इतना खा लिया बहुत खा लिया, लेकिन अभी फिर भी कुछ खा लूँ थोड़ा बहुत। वो खा लो इतना खा लिया कि मुझे उल्टी आ रही है, इतना खा चुकी हूँ मैं। ये हालत देख सकते हैं आप लोग, कितना खा लिया। तुम दोनों ने क्या क्या खाया, मजा आया? झूठे, चल फटे मुँह। अब बोली थी ना उससे ये आपका गिफ्ट, फट्टे मुँह। ये क्या बदतमीजी है, फट्टे मुँह। आप ये आपका गिफ्ट, झूठे लोग हैं यहाँ पे। बहुत खा लिया यार, फुल हो गई, नींद भी आ रही है, बहुत नींद आ रही है, बहुत मुझे भी बहुत नींद आ रही है। सेम तुम्हारा भी, चले चलो चाचा के घर चलते हैं। सो फाइनली हम लोग यहाँ से सीधा अपने चाचा के घर जाएंगे, कौजन के घर। पहले घर जाएंगे, चेंज करेंगे फिर। ओके, कौजन के घर जो है गाय आई है। गाय को आजकल मेरा देख के बड़ा दिल हो रहा है कि मैं गाय के साथ घूमूं फिरूं प्यार करूं, तो इसलिए हम जाएंगे आज। हम लोग घर जा रहे हैं और अब घर जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। मेरी चीज़ें बस तुम ले लो फौरन, सारी की सारी छोड़ो छोड़ो, चले चलो बाहर, चलो खड़ी रहोगी, खड़े खड़े जाओगी। चलो क्यों जाऊँगी मैं साथ, बहन चले चलो फिर बैग खेलने जा रहे हैं, जल्दी चलो। सो ये हमारे बलून आ गए, अभी अतिबा और मैंने डिसाइड करा कि हम लोग ये जो है रास्ते में ही उड़ाएंगे। ठीक है जी, देखते हैं उड़ा पाते हैं उड़ा पाते, लेकिन इसको उड़ाने के लिए पहले हेलियम बलून के ये तो खोलो खोलो। हाँ ये खोलो, अभी थोड़ा आगे जाते ना फिर हम उड़ाते हैं। खोलो, बंद कर दो, खोल के दिखाना, नहीं अभी खोलो लगाए का तुमसे। ये भी मैंने बन के तो कह रही दिखाओ, लाइट दिखाओ, लाइट दिखाने का बोला है मैंने। हाँ देख ली, यहाँ दीदी अपना बैलून उड़ा रही है। चलो 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 उड़ाओ, इसे तो बनाओ, उड़ाओ यहाँ से थोड़ा। कहाँ गया नहीं पता, अब मेरी टर्न है, मेरी टर्न। तो फाइनली यहाँ पे मेरी बारी आती है बैलून उड़ाने की। बैलून नहीं, जैसे तुम बतनी ज्यादा उड़ा रही हो। मैं व्लॉग बंद कर दूंगी, ये वाले छोड़ दे। ओ लॉक कर दे, तुम जल्दी दो। पता ही नहीं कहाँ चला गया, चलो जी। सो यहाँ पे हमने बलून से भी छुटकारा पा लिया, अब बचा केक को देखते हैं हम किस किस को देते हैं। मोहम्मद हमारा एक बच्चा है, मोहम्मद हम उसको देंगे। हमारा भाई ही छोटा, कोई भाई नहीं है, बराबर वाले का बच्चा, उससे हम बहुत प्यार करते हैं ना, हम मोस्टली अपने ही घर पर रखते हैं। उसकी अम्मा का कहना है सोता हुआ उनका है, जागता हुआ हमारा है। तो जो आएगा ना तो हम केक उसको खिलाएंगे, घर जाते हैं उसको बुलाएंगे, जैसे मैंने मोहम्मद को।